इस साल किस दिन मनाया जाएगा रक्षाबंधन का त्योहार? 11 या 12 अगस्त किस दिन होगा रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त? भाई बहन के अटूट प्रेम का त्योहार है रक्षाबंधन। इस दिन कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें और कुछ तरीकों को अपनाकर इस त्योहार को और भी खास बनाएं। भाई बहन के बंधन का ये पर्व रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जिसमें मान्यताओं का खास महत्व है। इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 11 अगस्त 2022 को गुरुवार के दिन मनाया जाएगा, लेकिन कुछ खबरें ये भी है कि 12 अगस्त को भी ये त्योहार मनाया जा सकता है। तो आपको बता दें कि रक्षाबंधन का त्योहार सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। पंचांग के मुताबिक इस साल पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 11 अगस्त को सुबह 10:38 से होगी, जबकि पूर्णिमा तिथि का समापन 12 अगस्त को सुबह 7:05 पर होगा। ऐसे में लोग बड़ी ही दुविधा में है कि किस दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। आपको बता दें कि ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 11 अगस्त को भद्रा काल की साया होने के कारण कुछ लोग रक्षाबंधन का पर्व 12 अगस्त को मनाएंगे। तो इस साल ये त्योहार दोनों दिन यानी 11 और 12 अगस्त को मनाया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्यों मनाते हैं भाई बहन के इस अटूट बंधन का पर्व रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्योहार सावन के महीने में पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन दो शब्दों को मिलाकर बनता है, रक्षा और बंधन, जिसका मतलब साफ झलकता है कि एक ऐसा बंधन जो रक्षा करता हो। जी हाँ, रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते को जताता है और घर में बेशुमार खुशियाँ लेकर आता है। इसके अलावा ये त्योहार भाइयों को याद दिलाता है कि उन्हें अपनी बहनों की रक्षा करनी है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई को अपनी बहन के प्रति उसका कर्तव्य याद दिलाता है। इस त्योहार को केवल सगे भाई बहन ही नहीं बल्कि कोई भी पुरुष महिला मना सकते हैं। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी खुशी और स्वास्थ्य के लिए मन्नत मांगती हैं। भाई भी राखी बांधने के बदले अपनी बहन को गिफ्ट देते हैं और उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा करते हैं। तो आइए जानते हैं कि रक्षाबंधन पर किन खास बातों का ध्यान रखें और क्या है इसकी पूजन विधि। रक्षाबंधन के दिन राखी की थाली का विशेष महत्व है। ऐसे में रक्षाबंधन के दिन थाली में रोली, चंदन, अक्षत, दही, राखी और मिठाई रखें। एक घी का दीपक भी चलाएं। ये दीपक भाई की आरती उतारने के लिए ही होता है। पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और इसके बाद भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करवाकर श्रद्धा पूर्वक बैठने के लिए बोलें। पहले भाई को तिलक लगाएं और इसके बाद राखी बांधें और उनकी आरती उतारें। फिर भाई को मिठाई खिलाएं, साथ ही उन्हें भोजन के लिए भी आग्रह करें। राखी बांधते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि भाई का सिर खुला नहीं होना चाहिए। राखी बांधने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बहन को यथासंभव उपहार दें। भाइयों को इस बात का खास ध्यान रखना है कि उपहार में काले कपड़े, नुकीली चीजें और तीखा या नमकीन चीजें देने से बचना चाहिए। तो ये थी कुछ बातें जिनका आपको रक्षाबंधन के पर्व पर खास ध्यान रखना होगा। और इसी के साथ देशित न्यूज आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए देशित न्यूज के साथ। धन्यवाद।